हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिजिटेक। आज हम देखेंगे कॉइल सिलेक्शन कैसे किया जाता है और उसका रो फाइंड कैसे किया जाता है और फेस एरिया कॉइल का कैसे मालूम किया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारी एक हमने कॉइल सिलेक्शन का पूरा फाइल बनाया है। तो इसमें हमको सबसे पहले देखना होगा बेसिक डेटा, तो डेटा फ्रॉम हीट लोड एस्टिमेट, ठीक है ना। तो जो हम हीट लोड कैलकुलेशन करते हैं ये डेटा हमको उसमें से लेना है। वो E20 फॉर्म भी हो सकता है या फिर हैप सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है, कोई दूसरा जो है आपने जो यूज किया है हीट लोड कैलकुलेशन के लिए जो भी सिस्टम, तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो डेटा है हमें वहां से मिलेगा। तो जो फ्रेश एयर ड्राइवर टेम्परेचर है हमारा आउटसाइड टेम्परेचर, तो ये वो है 106 मैंने लिया है। हीट लोड कैलकुलेशन में से मुझे ESHF की वैल्यू मिली है 0.77। देन टनेज मिला है 40। देन डिह्यूमिडिफाइड एयर CFM मिला है 18,000 एंड फ्रेश एयर CFM मिला है 1160 CFM एंड ADP मिला है 57। तो ये हमें जो है हीट लोड कैलकुलेशन में से डेटा मिलेगा। एंड देन हमको ये फाइंड करना है इंटरिंग एयर टेम्परेचर, मीन्स इसको हम कह सकते हैं ऑन कॉइल टेम्परेचर, जो ऑन कॉइल टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर है, या फिर मिक्स एयर टेम्परेचर भी इसे कहते हैं। तो इसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है फ्रेश एयर CFM मल्टीप्लाई बाय फ्रेश एयर टेम्परेचर प्लस रिटर्न एयर CFM मल्टीप्लाई बाय रिटर्न एयर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय सप्लाई एयर CFM। तो फ्रेश एयर CFM हमारे पास है 1160 CFM जो है हमारे पास फ्रेश एयर CFM है एंड फ्रेश एयर टेम्परेचर 106 है। देन रिटर्न एयर CFM हमें मिलेगा सप्लाई एयर टेम्परेचर, जो सप्लाई एयर है हमारा डिह्यूमिडिफाइड एयर CFM जो हम सप्लाई कर रहे हैं, माइनस फ्रेश एयर CFM हम अगर माइनस करेंगे तो हमें रिटर्न एयर CFM मिलेगा। एंड देन रिटर्न एयर टेम्परेचर हमारा 76 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, उसको डिवाइड करना है सप्लाई एयर CFM। सप्लाई एयर CFM मीन्स डिह्यूमिडिफाइड एयर CFM 80,000 से, तो हमें ये इंटरिंग एयर टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा मालूम किया जाता है। देन हमको इसमें कुछ अजम्पशंस लेने हैं, अज्यूम करना है कुछ डेटा। तो फेस वेलोसिटी जो है हमें 500 FPM लेनी है, इंटरिंग वाटर टेम्परेचर हमें 45 डिग्री फ़ारेनहाइट लेना है, लिविंग वाटर टेम्परेचर 55 डिग्री फ़ारेनहाइट लेना है एंड बाईपास फैक्टर 0.1 लेना है। ये अजम्पशंस है, ये अज्यूम करना है हमें। देन कॉइल ज्योमेट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग कैटलॉग में से हमें मिलेंगी, तो कॉपर ट्यूब 5x8 इंचेस का है आउटडोर आउटसाइड डायमीटर एंड 1.5 इंचेस का ट्रायंगुलर पिच है, स्टेच फ्रॉम रो टू रो एंड एल्यूमिनियम फिन जो है 8 FPI पर है, ठीक है ना। तो ये हमें कॉइल ज्योमेट्री मैन्युफैक्चरिंग कैटलॉग में से मिलेगा, हमको ये स्टैंडर्ड लेना है। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वाटर इनसाइड ट्यूब्स KI, ओके। तो हमें KI पता करना है सबसे पहले, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर फ्लो जो है GPM में हमको GPM मालूम करना है। तो GPM का जो फॉर्मूला होता है टन मल्टीप्लाई बाय 12,000 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय लिविंग वाटर टेम्परेचर माइनस इंटरिंग वाटर टेम्परेचर। तो हमारे पास टनेज है 40 TR, देन हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 12,000 करना है डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय लिविंग वाटर टेम्परेचर है हमारे पास 55 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इंटरिंग वाटर टेम्परेचर है हमारे पास 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमें ये GPM कैलकुलेट हो जाएगा, तो हमें मिला है 96 GPM, ओके। देन वाटर वेलोसिटी थ्रो ट्यूब जो हमें मालूम करना है, इसका FPS मालूम करना है। तो इसका फॉर्मूला है वाटर फ्लो मल्टीप्लाई बाय 1.2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्किट। तो वाटर फ्लो GPM हमारे पास है 96 GPM, देन उसको मल्टीप्लाई करना है 1.2 FPS से डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्किट। तो जो नंबर ऑफ सर्किट होता है वो इक्वल टू नंबर ऑफ टनेज होता है, तो 40 हमें टनेज है हमारे पास, उसको 40 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2.9 जो है वाटर वेलोसिटी FPS में मिल जाएंगी। देन हमारे पास टेबल है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वाटर इनसाइड ट्यूब KI, तो हमें KI पता करना है, ठीक है ना। तो हमें वाटर वेलोसिटी मिल गई है 2.9, तो हम 3 कंसीडर कर लेते हैं, वाटर वेलोसिटी 3, तो हमें मिलता है जो ये वैल्यू है KI का 550, ओके। तो हमने यहाँ 550 लिख लिया है, तो हमें 550 वैल्यू मिल गई है। इसी तरह जो है ये भी हमको जो है अजम्पशन जो है लेना है, अज्यूम करना है R जो है इक्वल टू आउटसाइड सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय इनसाइड सरफेस एरिया, ये मैन्युफैक्चरिंग कैटलॉग में से हमें मिलता है। देन आउटसाइड सरफेस एरिया 22 square feet पर रो पर फेस एरिया, हमको ये स्टैंडर्ड लेना है। इनसाइड सरफेस 1.2 square feet पर रो पर फेस एरिया लेना है,
एंड आउटसाइड टू इनसाइड सरफेस एरिया रेशियो आर जो हमें मिल जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 1.2, तो हमें 18.333 आर की वैल्यू मिलेंगी. ओके, देन हमें नीचे है मेटल रेजिस्टेंस आर एम, तो हमने लिया है 0.025, तो इसका जो रेंज है हमारा वो 0.005 टू 0.03 है. तो हमारी जो कैलकुलेशन के हिसाब से हमने जो लिया है वो 0.025 लिया है, आप भी ये 0.052 लीजिए. ओके, देन हमको के नॉट मालूम करना है, आउटसाइड फिल्म कोएफिशिएंट के ओ. तो कॉइल फेस वेलोसिटी हमने कंसिडर की थी ऊपर 500 FPM, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं फेस वेलोसिटी 500 FPM. तो 500 FPM से हमको मिलती है के नॉट की वैल्यू 11, तो हमने यहाँ लिख लिया है के नॉट 11. ओके, देन हमको फाइंड करना है यू, यू मीन्स ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट. तो इसका फॉर्मूला है 1/U इज इक्वल टू 1/K0 प्लस आर एम प्लस आर अपॉन के आई. ओके, तो हमारे पास यू फाइंड करना है, के नॉट की वैल्यू हमारे पास है 11, देन आर एम की वैल्यू हमारे पास है 0.025, देन आर की वैल्यू हमारे पास है 18.333, देन के आई की वैल्यू हमारे पास है 550. तो ये सब वैल्यू को इस फॉर्मूले में फिल करने पर हमको ये मिलेगा वैल्यू. ओके, तो हमें मिला है 6.77 जो है यू मिल गया. आपको इसका रेसिप्रोकल करना है तभी ये 6.7 मिलेगा. ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं कॉइल फेस एरिया. ओके, कॉइल फेस एरिया, ये हमारी कॉइल है, ये जो इसका एरिया है ये वाला पूरा कॉइल फेस एरिया हमको ये पता करना है. ठीक है ना, तो इसके पास, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है हाइट इनटू लेंथ, तो हमें ये तो पता नहीं है. एंड जो आप ये एयर फ्लो देख रहे हैं ये हमारा ये 500 FPM पे हम फ्लो कर रहे हैं, जो ये टच कर रही है एयर इसको, तो ये ऑन कॉइल टेम्परेचर होता है. एंड जो जो रूम में सप्लाई होती है वो ऑफ कॉइल टेम्परेचर होता है. हमें कॉइल फेस एरिया पता करना है, तो इसका फॉर्मूला है फेस वेलोसिटी इज इक्वल टू एयर फ्लो डिवाइडेड बाय फेस एरिया. तो हम इसको फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करते हैं, तो फेस एरिया इज इक्वल टू एयर फ्लो डिवाइडेड बाय फेस वेलोसिटी. तो एयर फ्लो हमें कितना करवाना है, डिह्यूमिडिफाइड एयर CFM हमारे पास है 18,000, एंड जो है वेलोसिटी हमारे पास है फेस वेलोसिटी 500 FPM. तो 18,000 डिवाइडेड बाय 500 FPM करेंगे हम, तो हमें मिलेगा कॉइल फेस एरिया 36 square feet हमें मिल गया है. कॉइल फेस एरिया ये वाला एरिया ये है, स्क्वायर फीट में हमें मिल गया है. देन हमको नेक्स्ट फाइंड करना है LMTD, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस. तो लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस मीन्स ये जो हमारा टेम्परेचर है एयर इनलेट ऑन कॉइल टेम्परेचर, और हम कह सकते हैं मिक्स्ड ड्राई बल्ब मिक्स टेम्परेचर. तो हमें ये मिल गया है यहाँ से इंटरिंग एयर टेम्परेचर 77.93, तो ये यहाँ रखना है 77.93. ओके, देन हम हमारे पास एयर आउटलेट टेम्परेचर और ऑफ कॉइल टेम्परेचर. ये ऑन कॉइल टेम्परेचर है एंड ये ऑफ कॉइल टेम्परेचर है. इसको फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है डीबी मिक्स हमारा बोले तो ये वाला 77.93 माइनस 1 माइनस बायपास फैक्टर. तो 1 माइनस बायपास फैक्टर है हमारे पास 0.1, यहाँ आप देख सकते हैं हमने अज्यूम किया था 0.1. देन डीबी मिक्स हमारे पास है 77.93 एंड ADP हमने लिया है यहाँ 57 degree Fahrenheit. ओके, तो ये हमारे पास दो वैल्यू मिल गई है. देन चिल वाटर रिटर्न टेम्परेचर 55 एंड चिल वाटर सप्लाई टेम्परेचर 45 हमने यहाँ अज्यूम किया था 45 एंड 55. ओके, तो ये दोनों को 77.93 माइनस 55 तो हमें मिलेगा 22.9 जो है, ये जो है हमारा ग्रेटेस्ट टेम्परेचर डिफरेंस है. एंड 59.1 माइनस 45 तो हमें मिलेगा 14.09, ये हमारा लीस्ट टेम्परेचर डिफरेंस LTD. ओके, तो LMTD फाइंड करने का फॉर्मूला है GTD माइनस LTD डिवाइडेड बाय लॉग टू द बेस ई GTD डिवाइडेड बाय LTD. तो GTD हमारे पास 22.9 है, LTD 14.09 है, देन लॉग टू द बेस ई GTD हमें 22.9 रखना है डिवाइडेड बाय LTD 14.09 रखना है, तो हमें LMTD मिलेगा 18.156. ओके, तो हमने LMTD मालूम कर लिया है. अब नंबर ऑफ रो मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो है टनेज मल्टीप्लाई बाय 12,000 डिवाइडेड बाय यू. यू मीन्स हमने यहाँ देखा था यू ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय LMTD जो हमने अभी मालूम किया है. देन फेस एरिया हमने मालूम किया है, आउटसाइड एरिया पर रो ये मैं आपको बताता हूँ. ठीक है ना, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ रो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है. तो टनेज है हमारे पास 40, हम यहाँ देख सकते हैं टनेज है हमारे पास 40. देन इसके बाद टनेज मल्टीप्लाई बाय 12,000 करना है डिवाइडेड बाय यू,
तो यू हमने फाइंड किया है 6.7, आप देख सकते हैं यू 6.7, देन यू की वैल्यू भी हमें पता है, देन एलएमटीडी हमारे पास है 18.156, आप यहाँ देख सकते हैं एलएमटीडी हमने मालूम किया है, देन फेस एरिया हमने फाइंड किया है 36 स्क्वायर फीट, ये फेस एरिया हो गया है, देन आउटसाइड एरिया पर रो ये हमने अज्यूम किया था, मैं आपको बताता हूँ मैन्युफैक्चरिंग कैटलॉग में से, आउटसाइड सरफेस 22 स्क्वायर फीट पर रो फेस पर फेस एरिया, तो 22 रखना है इसकी वैल्यू हमें, ठीक है ना, आउटसाइड एरिया पर रो 22 रखना है, तो ये ऑल वैल्यू हम जब इसमें रखेंगे इस फॉर्मूले में तो हमें नंबर ऑफ रो फाइंड होंगी 4.98, मीन्स 5 नंबर ऑफ रो हमें मालूम पड़ गई है, 5 जो है हमें नंबर ऑफ रो मिल गई है। तो इसी तरह दोस्तों जो है कॉइल सिलेक्शन की जाती है, नंबर ऑफ रो फाइंड किया जाता है। ये जो फाइल है ये आप देख सकते हैं कि हम इसमें चेंज करते हैं कुछ भी वैल्यू तो हमें डायरेक्ट जो है नंबर ऑफ रो मिलता है, हम देखते हैं 95 रख लेते हैं हम, ओके ये से सेफ जो है सेम रहने देते हैं, टीआर जो है 30 कर लेते हैं, देन 14,000 कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, ये 700 जो हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना, 700 जो कंसीडर कर लेते हैं, तो हमें FPM जो है ये वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाती है, ठीक है ना। देन हमें यहाँ क्या मिला है, 72 GPM 2.9 जो है हमें ये मिल गया है, तो इससे हम 3 कंसिडर कर लेते हैं, तो हमें नंबर ऑफ रो जो है ऑटोमेटिक इधर मिल गया है 4.93। LMTD भी हमारा चेंज हो गया है, ऑटोमेटिक पूरा डेटा चेंज होता है, मैंने एक्सेल शीट बनाई है, अगर यह एक्सेल शीट आपको चाहिए तो ये पेड एक्सेल शीट है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं इसको शेयर कर सकता हूँ आपसे। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और इस वीडियो से आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।